बाय ऑल मींस ओल्ड एरिना कमाल करता है। दिस इज चिकन सीख, दिस इज मटन सीख एंड ये फिश सीख। Very greasy, you can see my fingers, man. It's all buttery. So obviously a lot of butter has been showered on it. Three, two, one. Yo, 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 what's up people? I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। गाइस आज मैं आया हूँ, मतलब कहाँ पे आया हूँ, नाम मंडोरा अब्दुल गानी कुरैशी कबाब कॉर्नर, कुरैशी के नाम से जाना जाता है यार। दे स्पेशलाइज इन मटन सीख, चिकन सीख कबाब एंड टिक्काज एंड ऑल यार, बट इनकी मेन स्पेशलिटी मटन सीख कबाब है। यहाँ पे पूरा लाइव बाबी की हो रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट लग रहा है देखने के अंदर। मिलते हैं इनसे, ऑर्डर वॉर्डर करते हैं, विल टेस्ट इट, विल सी जो इतनी हाइप है वो क्यों है। मैंने पहले कभी नहीं खाया कुरैशी भी, मैं ओल्ड दिल्ली आता ही नहीं हूँ। मिलते हैं इनसे, ऑर्डर वॉर्डर करेंगे, दिखाएंगे आपको, वीडियो के अंत तक बन रहे ना, इट्स अ लॉट ऑफ फन। गाइस ये भैया सामने बना रहे हैं ऑल द सीख कबाब दैट यू कैन सी। आई लव द फ्लेम्स और ये जो बारबेक्यू हो रहा है, एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस यार। ऑर्डर करते कैसे भैया? सर ये मेन्यू कार्ड है। मेन्यू कार्ड है, थैंक यू। अच्छा एक दो मटन सीख कर दो, वन मटन, मटन सीख कर दो, साथ में एक वो कर दो चिकन सीख, ठीक है, और फिश सीख भी कर दो, वन मटन वन चिकन वन फिश, हाँ तीनों कर दो, ठीक है। साथ में रुमाली ऐसी लूँ, एक रुमाली रोटी दे देना, ठीक है, थैंक यू सर। गाइज मैंने ना मटन सीख तो सुनी थी इनकी, ऑब्वियसली चिकन सीख भी सुनी थी, बट आई डिड नॉट नो दे हैव फिश सीख एज वेल, दैट्स अ बिट स्ट्रेंज, मुझे पता नहीं था यार। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि फिश सीख भी रखेंगे, विल सी हाउ इट इज यार, देखते हैं। गाइज मैं किचन के अंदर आ गया हूँ, हल्का सा एक शॉट लेने के लिए आया हूँ, जस्ट टू शो यू हाउ दे फील लुकिंग एट द कस्टमर्स यार। ये पीछे सारा काम वगैरह हो रहा है, गाइस लुक एट द अमाउंट ऑफ बटर यार जो अंदर जा रहा है, दिस ऑल बटर, दिस ऑल सीख कबाब, बटर सीख कबाब। गाइस यहाँ पे ना बिंच देखो, ये कीमा लग रहा है, ये पीछे की तरफ चिकन सीख लग रही है, जो फ्रंट पे दिखाया था वो मटन सीख है। गाइस ये गुड्डू भैया है जो यहाँ के करते धरते हैं, कैसे भैया? बढ़िया। लुक एट द क्राउड वेटिंग फॉर देयर फूड यार। गाइस ये मेरी सीख की प्लेट हो गई है, देर जी भैया। ऑलराइट गाइस दिस इज डन, गाइस लुक एट दिस यार, एब्सोल्युटली कमाल लग रही देखने के अंदर। डिड यू सी द बटर यार, द अमाउंट ऑफ बटर दे दे पोर्ट। भाई एक रुमाली भी कर दीजिएगा भैया, एक ही रुमाली कर दीजिएगा, सिर्फ एक ही कर, ठीक है। कहाँ पे खाएं इसको? आपकी जगह ही है, मैं पकड़ लूँगा। कोई अंदर जगह खाने की मुझे पता नहीं था यार, वो यार यहाँ पे कितनी शांति है। भैया दूर है क्या? हाँ अच्छा अच्छा, आप ही की जगह बैठे की? हाँ दो है, दो किस पे जाऊँ? इसमें ओके गाइज वी एंटरिंग द प्लेस, यहाँ पे खाना खाते हैं। गाइज ये एक लुक एंड फील है पूरी सीटिंग की, आई डिड नॉट नो दे हैव अ सीटिंग एरिया एज वेल। ये वाला जो एरिया ये फैमिली सीटिंग है, मैं आपको एक और एरिया दिखाता हूँ इनका, ये वाला साथ में, यहाँ पे अगर स्टैग्स वगैरह हैं तो दिस इज सेपरेट एरिया दैट दे हैव, यहाँ पे ना सारे स्टैग्स वगैरह बैठे तो फैमिली की बिल्कुल अलग सीटिंग है। सच अ कूल थिंग यार, दे हैव अ सेपरेट सीटिंग टेकिंग केयर, बिकॉज ये तो कुरैशी ना कहाँ कहाँ से लोग खाने आते हैं, सो व्हाट दे डू इज दे मेक एन एनवायरनमेंट जहाँ के अंदर ना फैमिलीज का अलग है सीटिंग एरिया बिल्कुल, एंड देन ऑल दी स्टैग्स वगैरह। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू ना, बिकॉज बहुत लोग खाने आते हैं तो फैमिलीज का अलग सेक्शन है और ये वाला एक अलग सेक्शन है स्टैग्स वाला। छोटी सी गली देख रहे हो, मैं वहाँ से आया था चल के, यहाँ से आया हूँ, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, कल को आप आओ ना तो ये मत सोचो कि यहाँ सीटिंग नहीं है, यहाँ पे जगह है बैठने की, जो भैया खड़े हैं ना, तो वहाँ से मैं आया था चल के फिर से, और यहाँ पे सीटिंग है बैठने वाली। गाइस इनके रेगुलर कस्टमर है भैया, कैसे हैं आप?
बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, क्या फीडबैक रहता है खाने का आपके हिसाब से? मेरा फीडबैक तो ये है, मैं स्टार्टिंग से कबाब ट्राई करता हुआ आ रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने टिक्का ट्राई किया। अच्छा, वो और बेस्ट है। अच्छा, टिक्के भी अच्छे हैं? सबसे बेस्ट सीख कबाब से भी अच्छा है टिक्का, आई थिंक। अच्छा, सीख कबाब से अच्छा है टिक्का, बहुत अच्छा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। कब से आ रहे हैं आप? तकरीबन 7-8 साल। 7-8 साल हो गए हैं, बिल्कुल। वैसे आपको सीख कबाब कौन सी पसंद है अगर खानी हो? मटन की। मटन की ना, बेस्ट है ना मटन। चलो बहुत बढ़िया, ट्राई करता हूँ। ठीक है, थैंक्स सर। आई एम गोना मेक यू मीट द ओनर। भैया कैसे हैं? बढ़िया सर, फर्स्ट। अच्छा, ही इज द ओनर, ही इज द करता धरता ऑफ कुरैशी कबाब कॉर्नर। भैया कितनी पुरानी जगह है अपनी? सर ये 55 साल पुरानी है। 55 साल से मेरे योर डैड ग्रैंडफादर के उस टाइम ग्रैंडफादर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और डेली खुला था? सेवन डे ओपन। टाइमिंग क्या रहते हमारे? टाइमिंग रहती है 3 बजे से रात को 12 बजे तक। दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। आप ये मेन्यू पे भी नजर मार लो, ये कुछ रेट्स हैं इनके। ये भैया पर पीस होता है? हाँ जी, हाँ जी, पर पीस। अच्छा, ये पर पीस कहीं से पर पीस रेट है? सीख कबाब 1 पीस 30 रुपीज़, ये सीख कबाब रोल, चिकन कबाब, मटन कबाब वगैरह सब देख लेंगे, तो ये कबाब वाइज रेट है। लुक एट द अमाउंट ऑफ क्राउड यार, मैं तो ये देख के ले जाऊँ। और गाइस, द फूड्स हियर, ये दिखा दूँ आपको क्या क्या है। दिस इज चिकन सीख, दिस इज मटन सीख, एंड ये फिश सीख। थोड़ा घुमा के दूँ आपको, जस्ट हैव अ लुक। Absolutely brilliant. There's a shower of butter, man. If you can see it, obviously, बिल्कुल piping hot है अभी। Plate नीचे से पूरी गर्मा गर्म है। Condiments में उन्होंने चटनी, प्याज, मूली वगैरह दिया है। With some minis and mint chutney. I was expecting mint chutney, but minis को मुझे समझ नहीं आया। Maybe because I've ordered fish, इस वजह से हो सकता है। साथ में taken one romali, because सीख कबाब और romali का combination is absolutely tremendous. It's really nice. It goes well. ठीक है, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे चिकन सीख से। चिकन सीख फिर से दिखा दूँ, ऐसा कुछ पीस है पूरा, बिल्कुल ब्रिलियंट लग रहा है। बटर इस पे से पूरा ड्रिप, बटर पूरा ड्रिप कर रहा है इस पे से। ट्राई करते हैं इसको। आई थिंक रुमाली के साथ यार मज़ा आता है, रुमाली के साथ ना। रुमाली गर्म होनी चाहिए, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, ठंडी है। बट एनीवे ट्राई करते हैं चिकन सीख को। सीख गर्मा गर्म है, ये मैंने पूरी बाइट आज बनाई, इसके अंदर मैंने ये सीख कबाब डाल दिया है। ट्राई करें इसको। 3, 2, 1 नरम नहीं होती, नरम मक्खन मिलाई थोड़ा। एक मैं ना रुमाली बिना ले जाता हूँ, टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ रुमाली का तो समझ नहीं आता। बाई ऑल मीन्स ओल्ड अरीना कमाल करता है, वाह, दिल खुश हो गया। द बैलेंस इज राइट, आई लव द सीख मैन, आई लव द ग्रीन इनसाइड, परफेक्टली कुक। बटर थोड़ा एक्सेस में है, बट दैट्स व्हाट पीपल लाइक अबाउट दिस प्लेस। आई ऑनेस्टली बताऊँ, आई ऑल्सो लव्ड इट। फील आ रही है खाने के अंदर। अब आते हैं फिश वाली सीख पे। ये है कुछ जी फिश वाली सीख, जस्ट हैव अ लुक। एब्सोल्युटली किलर लग रही है देखने के अंदर, वाह, मैं बंदा काम। अच्छा, फिश सीख इज वेरी अनकॉमन बाय द वे, एंड स्पेशली एट सच प्लेसेस यू डोंट एक्सपेक्ट फिश वाली सीख को। मैं ट्राई करते हैं, एक बड़ा सा चंक लेता हूँ। ओके, वी विल गो इन। Honestly बताऊँ, chicken was better for me. This is good. It's a very different cheese. Obviously पूरा minced fish का flavor आ रहा है, but I like the chicken one better. It had more flavors. I'm more connected towards fish when it's pan grilled और पूरा piece में ऐसे मज़ा नहीं आया मुझे इतना, but yes the chicken one is really good. अब आते हैं mutton वाली पे, the main one. Let's come to the main one. Oh my god, this is amazing, man. Okay, लोग वैसे ना कुरैशी इज वेरी फेमस और इट्स मटन सीख जो सबसे ज़्यादा चलता है। Did you see that? Do you see the color from inside? Is absolutely yellow. Some mixture, I'm sure, some secret ingredients that they use. Very greasy. You can see my fingers, man. It's all buttery. So obviously a lot of butter has been showered on it. The seekh's very soft. That's very good. I love the char on the top. अच्छे से grill हुई है. I'm sure it's cooked to the perfection. So try करें इसको. The main one, the signature seekh kebab. Okay. The fish one obviously does not stand in front of mutton. Chicken aas paas hai, but mutton best hai. Wow. This I can have all day, man.
मजा आ गया ठीक गुड थिंग द फ्लेवर्स इतना अथेंटिक मटन फ्लेवर आ रहा है ना एंड सम मसाला जो ना नॉर्मल सी कबाब ही नहीं होता ये वही बात दिल कुछ यहाँ पे उगा के साथ में प्याज देता हूँ Alright guys, what a wonderful meal yaar, maza aa gaya. I like the mutton seekh the most obviously, the chicken seekh came in the second place and then fish was not as good as I thought but still a good one. Qureshi kebab corner Jama Masjid mein bana hua hai, very famous place, aap sabko shayad pata bhi hoga. But anyway, I'll leave their address, phone number, the pricing and all sab description mein hoga, location wagera. So if you ever want to come, details sari niche hai. Iske alawa channel ko kya karo, subscribe. I'm sorry, main zyada tez nahi bol pa raha, bada sophisticated karna pad raha hai. Back is only because there's so many people behind me. So yeah, anyway, subscribe and share, share and subscribe wo karte chalo. Instagram pe Arora Shoaib likhenge, follow us there as well. And Facebook pe Shoaib Arora Vlogs likhenge, follow us, haan bhi. This is it for the video. I'll see you very soon. Until then, take care, have fun.